अलवर में जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर का गणतंत्र दिवस समारोह में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। शुक्रवार को अलवर जिला जाट महासभा सहित अन्य सर्व समाज के लोगों द्वारा प्रेस वार्ता कर इस घटना की निंदा की, साथ ही 7 दिनों में जिला कलेक्टर को नहीं हटाए जाने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी, किसान सभा के नेता गफूर खान, मेव समाज के नेता शिफात खान, पूर्व जिला प्रमुख श्रीनिवास मीणा सहित अन्य लोगों द्वारा इस मामले में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की संलिप्तता की भी जांच किए जाने की मांग उठाई। इनका आरोप था कि मंत्री के दबाव में आकर कलेक्टर इस तरह जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के बाद कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का पुतला भी जलाया गया। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय पर प्रशासन द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में जिला प्रमुख बलबीर सिंह को अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठाया गया था और न ही उनके नाम उद्घोषक द्वारा लिया गया, जबकि मंत्री का परिवार अग्रिम पंक्ति में बैठा रहा। इससे नाराज होकर जिला प्रमुख कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चले गए थे। इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी की है। आपने समाज के लोग भी आए हैं, आपने प्रेस को भी बुलाया है, आपका क्या लगता है किस तरह से पूरा अपमान आपका हुआ, इस पद का अपमान हुआ और अब आगे आपने क्या फैसला लिया है? ये जिला प्रमुख पद का अपमान हुआ है, पूरे जिले का अपमान हुआ है। बलबीर छिल्लर का अपमान नहीं हुआ, पूरे जिले में जिस पद की जिला प्रमुख जो पद है वो जिले का पद है, उस पद का अपमान हुआ है। तो इसलिए मैं तो पद की जो उसने प्रशासक ने इसमें जिम्मेदार है उसमें प्रशासक होता है कलेक्टर, तो ये तो कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है। हम तो हमें बुलाया, हम चले गए, हमें उसकी व्यवस्था तो उनका काम बनता है ना, किसको कहाँ बैठना, किसके क्या रहना, ये तो उनकी कलेक्टर की जिम्मेदारी है। अब क्या मांग आप रखते हैं कि क्या होना चाहिए उसको हटाना? मेरी चाहिए? मांग ये है जी, जो कलेक्टर का जो पिछले दिनों से जो चल रहा है, कलेक्टर किसी व्यक्ति विशेष की कठपुतली बाबू का काम कर रहा है, ना कि कलेक्टर एक कलेक्टर का काम कर रहा है। कलेक्टर का काम करता तो उनको हमें रिसीव करने से लेकर हर चीज़ को, हम वहाँ गए थे, उनका प्रोटोकॉल बनता है, तो उस प्रोटोकॉल को तो उन्होंने निभाया नहीं, वो तो हमें नीचा दिखाने वाला काम किया, जो मेरे पूरे समाज को और पूरे जिले को नीचा दिखाया। इसके मेरे नेताओं को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिख दिया, भावर जितेंद्र सिंह जी को लिख दिया, भावर जितेंद्र जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी, तो मैं मेरे सीनियर नेताओं को इन सब चीज़ों से अवगत करा दिया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया इस कार्य में पक्का कार्रवाई होगी। जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, क्या वो जिले के मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, कौन हैं वो जिनकी बात करें, जिनके इशारे पर ये पूरा खेल हो रहा है? वो तो जिले के नेता ही हैं, जिनका सबको समय आएगा जब आपको उन चीज़ों से अवगत करा देंगे। आज अपना मुद्दा है, आज हमारा गलती की कलेक्टर ने, गलती वो बताएगा कलेक्टर ने कि मैं इसके इशारे पे किया है, वो तो कलेक्टर बताएगा। अगर जिला कलेक्टर को नहीं हटाया जाता है तो बलबीर छिल्लर आने वाले समय में क्या एक व्यक्ति जिला प्रमुख का जो गणतंत्र दिवस के अवसर पे अपमान किया गया उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है और सर समाज ये मांग करता है कि जिस भी अधिकारी की ये गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी को 7 दिन के अंदर अंदर नहीं हटाया गया तो सर समाज आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की, क्योंकि जिला प्रमुख का पद ऐसा ही मानो जैसे राजस्थान का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री होता है। ये अलवर, समस्त अलवर जिले की जनता का अपमान है, न कि केवल बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख। जय हिंद। कल को और बता दो मालेखेड़ा। हाँ, कल मालेखेड़ा तहसील ग्राउंड के सामने 11 बजे एक मीटिंग रखी गई है जिसमें सभी समाज के लोग इकट्ठे होंगे। और जूली के खिलाफ है वो? हाँ, टीकाराम जूली मंत्री के खिलाफ है। अब यहाँ पुतला फूंका जाएगा बिजली घर के चौराहे, इसके कार्यक्रम के बाद। आज जो ये पत्रकार वार्ता रखी गई है इसके अंदर अलवर जिले में बनाया गया था, उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। सबने जो ये रिपब्लिक डे का जो फंक्शन हुआ था उसमें जो जिला प्रमुख का अपमान हुआ है उसकी भर्त्सना की है और ये कार्यक्रम आगे भी आंदोलन चलता रहेगा। इसी कड़ी में कल मालाखेड़ा के अंदर 12 बजे एक सभा का आयोजन किया गया है जिसमें सर्व समाज के लोग शामिल होंगे और उसके अंदर भी इसी मुद्दे पर विचार होगा। जहाँ तक जिला प्रमुख का को जो सम्मान नहीं दिया गया, जिला प्रमुख एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो ये
पंचायत राज का मैं समझता हूँ कि अपमान है। ये केवल एक व्यक्ति का नहीं है, पंचायत राज जो बहुत साल पहले राजस्थान से प्रारंभ किया गया था उसका ये सम्मान नहीं हुआ है। इसलिए हम सब ये आज यहाँ पर यह निर्णय किया गया है कि इस आंदोलन को जब तक जारी रखेंगे जब तक कि जिलाधीश को यहाँ से राज्य सरकार स्थानांतरित नहीं करती है। टाइम एट राजस्थान के लिए अलवर से रजनीकांत भट्ट की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट राजस्थान। टाइम एट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही फेसबुक पर टाइम एट को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।